मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी आंखों से या फिर सुबह उठने पर हमारी आंखों से सफ़ेद रंग का एक गंदा सा पदार्थ निकलता है, पर ये आने की वजह क्या होती है आप जानते हैं? दरअसल कई बार आंखों की समस्या के चलते ये पदार्थ आंखों से निकलता है, लेकिन इस पदार्थ के आंखों से स्रावित होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कई मामलों में आंखों से इस सफ़ेद पदार्थ के निकलने का कारण सेबेशियस ग्रंथिकाएं होती हैं। इन ग्रंथिकाओं के ज़्यादा स्रवण से ऐसा होता है, लेकिन ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, जब तक कि ये सीमित समय तक सीमित मात्रा तक हो। लेकिन अगर यही पदार्थ ज़्यादा मात्रा में आँखों से आ रहा हो तो ये अंडरलाइंग इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। ऐसी स्थिति में समस्या को पहचान कर जल्द से जल्द इसका इलाज कराना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि ऐसा होने के कारण क्या होते हैं। इसका सबसे पहला कारण होता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा की वजह से ऐसा होना स्वाभाविक होता है। जब गंदगी, बैक्टीरिया या धूल कण कंजक्टिवा को प्रभावित करते हैं तो कंजक्टिवाइटिस की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें आंखों से पानी आना, सफ़ेद डिस्चार्ज होना या आंखें लाल हो जाना आम बात है। बात करते हैं दूसरे कारण यानी कि फंगल केराटाइटिस की। फंगल के कारण कॉर्निया में सूजन हो जाने पर ये समस्या होती है, जिसकी वजह से आंखों से सफ़ेद डिस्चार्ज के साथ ही दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं। बात करेंगे तीसरी वजह की, जिसे कि हम एंकाथा मोएबा केराटाइटिस के नाम से जानते हैं। कॉर्निया होने वाले इस इन्फेक्शन से भी समस्या हो सकती है, जो कि खतरनाक होती है। इसका कारण कॉन्टैक्ट लेंस की गंदगी या पानी लगना भी हो सकते हैं। बात करेंगे चौथी वजह की, जिसे कि हम आई हर्पिस के नाम से जानते हैं। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस द्वारा होने वाले इस इन्फेक्शन का प्रभाव कॉर्निया पर पड़ता है, जिसकी वजह से सफ़ेद गंदा पदार्थ आँखों से निकलता है, साथ ही जलन, सूजन आदि समस्याएं हो जाती हैं। तो ये थी वो समस्याएं जिनकी वजह से आँखों से सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ आता है। और जैसा कि हमने बताया कि अगर ये सीमित मात्रा में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यही अगर ज़्यादा मात्रा में आए, साथ ही साथ दूसरी परेशानियों के साथ आए, तो इसे डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ ऐसी ही खास जानकारियों के साथ। फ़िलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।